सुप्रभात, नमस्कार। क्या आपने कई बार वजन कम करने का प्रयास किया है और क्या हर बार आप अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे हैं? और अगर आप बार बार वजन घटाने के प्रयास में असफल रही हैं, तो कभी आपने सोचा है कि आपको वजन कम करने में सफलता क्यों नहीं मिल रही है? वजन कम करने के बाद फिर से बढ़ने से रोकने के लिए सिर्फ डाइटिंग या व्यायाम करना ही काफी नहीं है। इसके लिए आपको कुछ स्वस्थ आदतों को अपनाना होगा, तभी आप वजन और चर्बी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकेंगे। आज हम आपको कुछ आसान और मजेदार विकल्पों के बारे में बताएंगे जो आपको सदैव चर्बी और वजन से मुक्त रखेंगे। तो आइए आगे वीडियो में इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। नंबर एक, डाइटिंग तुरंत बंद करें। क्या आपको पता है, बिना सोचे समझे डाइटिंग शुरू करना आपके लिए कई समस्याएं लेकर आता है। कुछ दिन डाइटिंग पर रहने के बाद आप डाइटिंग को एक सजा के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, और जब जैसे तैसे आप डाइटिंग का निर्धारित समय पूरा करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपको इससे लाभ होने की बजाय हानि ही हुई है। इसके बजाय कुछ समय तक खाने की स्वस्थ आदतें अपनाकर अपने शरीर पर उसके प्रभावों के बारे में जानना डाइटिंग करने से बेहतर विकल्प है। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन से भोजन से आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे आप शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले खाद्य पदार्थों से बचे रहेंगे और आप अपने भोजन में शामिल उन महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जान पाएंगे जो आपके लिए सही है। कुछ लोगों को लगता है कि डाइटिंग में सिर्फ सब्जियां या सलाद खाकर वे वजन घटाने की मंजिल पा लेंगी, तो ये भी सही विचार नहीं है। डाइटिंग तभी शुरू करें जब आपको इसके बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आपको इस बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो पहले किसी पोषण विशेषज्ञ से इस बारे में जानकारी प्राप्त करें, अन्यथा लाभ की बजाय हानि होने की संभावना ज्यादा रहती है। नंबर दो, अपने पूरे शरीर का व्यायाम करें। जब आप अपना वजन कम करने के लिए व्यायाम के बारे में सोचते हैं, तो सिर्फ शरीर के उन भागों को ही अपने लक्ष्य में रखते हैं जहां पर चर्बी जमा होती है। यदि आप भी ऐसा ही करती हैं, तो आपको यहाँ कुछ बदलाव करने की जरूरत है। शरीर के ऐसे क्षेत्र जो अधिक वसा का निर्माण करते हैं, उनके साथ साथ आपको अपने सभी मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाले व्यायाम करने चाहिए। इससे आपके हृदय की गति तेज होगी, जो आपके हृदय के काम करने के तरीके में सुधार और हृदय की शक्ति में बढ़ोतरी करेगी। अगर आपके पास कई घंटे के व्यायाम के लिए समय नहीं है, तो हर दूसरे दिन अलग अलग प्रकार का व्यायाम करने का प्रयास करें। ये आपको वजन घटाने में मदद करेगा। नंबर तीन, जो भी खाएं उसका सही रिकॉर्ड रखें। आप वजन कम करने के लिए क्या खा रहे हैं और आपको क्या खाना चाहिए, इस बात से अनजान हैं, तो आप अपने वजन कम करने के प्रयासों को कमजोर कर रहे हैं। इस बात का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो भी खाते हैं उसका सटीक रिकॉर्ड रखें। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने किसी चीज का छोटा सा टुकड़ा ही अपने मुंह में डाला है, उसे भी लिखें और कम से कम 4 सप्ताह तक ऐसा करें। फिर पता लगाएं कि आप अक्सर कौन सी चीज ज्यादा खाते हैं और कौन सी कम, और उन चीजों के खाने के बाद पूरे दिन आपकी मनोदशा पर क्या असर हुआ। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपने अस्वास्थ्यकर चीज कब खाई थी। उदाहरण के लिए, आप पाते हैं कि आपका वजन कम नहीं हो रहा है और आप डिप्रेशन में भी रहते हैं क्योंकि आप रोजाना दोपहर को मिठाई खाते हैं, तो यहाँ आप थोड़ा बदलाव ला सकते हैं। मिठाई की जगह आप दोपहर को फलों का शेक या स्मूथी पी सकते हैं। इससे आपके मीठा खाने की लालसा भी कम होगी और वजन भी नहीं बढ़ेगा।
नंबर चार, भरपूर नींद लें। यह बात तो हर कोई जानता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए रोजाना रात में कम से कम 8 घंटे नींद लेना जरूरी होता है। हालांकि अधिकतर लोग अपनी व्यस्त दिनचर्या और टीवी तथा मोबाइल की वजह से ऐसा नहीं कर पाते हैं। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो आपको इस बात से अवगत होना चाहिए कि वजन घटाने के लक्ष्य को पाने के लिए पर्याप्त आराम करना काफी महत्वपूर्ण होता है। जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आपके शरीर में लेप्टिन हार्मोन का उत्पादन होता है। यह हार्मोन भूख बढ़ाने का काम करता है, इसलिए यह अक्सर देखने में आता है कि जो लोग रात को देर तक जागते हैं वो जरूरत से ज्यादा खाते हैं, इस वजह से भी वजन बढ़ जाता है। इसलिए आज से ही इस बात को गंभीरता से लें। 8 घंटे ना सही, कम से कम 6 घंटे की गहरी नींद लेने का प्रयास करें। दोस्तों, यह था आज का लाइफ चेंज देसी नुस्खा होम रेमेडीज। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें ताकि वे भी इन नुस्खों का लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम हमारे हर वीडियो आपकी सेवा में पहुंचा सकें। अपना कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी चमत्कारिक होम रेमेडीज और नुस्खे के साथ में। तब तक के लिए विदा दोस्तों, धन्यवाद।